हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास एट्थ की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आदि शर्मा की बुक में जो चैप्टर नंबर वन है आपके पास रैशनल नंबर का एग्जांपल नंबर फोर कराने वाली हूँ, जो कि आपके पास पेज नंबर 1.11 पे है। तो आज की क्लास में हम एडिटिव इन्वर्स सीखने वाले हैं कि क्या होता है ये एडिटिव इन्वर्स का कंसेप्ट। देखो, एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि जो भी रैशनल नंबर आपके पास हो उसका अपोजिट लिख दो। तब अगर प्लस में रैशनल नंबर तो माइनस में लिख दो, और अगर माइनस में रैशनल नंबर तो प्लस में लिख दो। बस इतना सा कंसेप्ट है ये एडिटिव इन्वर्स। तो अगर आप अपना फर्स्ट पार्ट देखो तो आपके पास 4/9 है, तो लिखने का तरीका क्या है पहली बात तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4/9, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास -4/9। प्लस का था, मैंने माइनस का कर दिया। ठीक है, सेम एडिटिव इन्वर्स ऑफ -13/7। अब ये माइनस का है तो इसका एडिटिव इन्वर्स प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5/11 माइनस है। तो देखो, डिनोमिनेटर में तो माइनस रखते नहीं ना, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ न्यूमरेटर में लगा दिया। तो इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया 5/11। माइनस कहीं भी हो, अगर रैशनल नंबर माइनस का है तो उसका एडिटिव इन्वर्स प्लस का ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडिटिव इन्वर्स ऑफ, देखो -11/14 है माइनस का, माइनस से माइनस तो कट गया ना, तो ये तो प्लस का हो गया ना 11/14। उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस में आएगा ना, गलती से भी प्लस में मत लिखाना कि माइनस का है, तो कि वो माइनस से माइनस कट हो चुका है, तो वो प्लस का रैशनल नंबर बन गया ना, एडिटिव इन्वर्स माइनस में। क्लियर है? छोटा सा कॉन्सेप्ट था पर वन मार्क के क्वेश्चंस में कई बार आ जाता है और वो अक्सर गलत करिए, तो आप बिल्कुल ध्यान से आप इसे कीजिए, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस भी हैं इस चैप्टर में, काफ़ी सारे हैं। डेली बेसिस पे आपको इसी चैनल पे आदि शर्मा के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। एनसीईआरटी ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड है पूरी, एग्जाम्पल्स, ट्राइडीज, एक्सरसाइज सब चीज़ अपलोड है, प्लस केस स्टडी भी अपलोड है। प्ले लिस्ट बनिए, वहाँ से कर लीजिए स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को और इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।